वेलकम बैक आप देख रहे हैं सियासत मना है हम बात कर रहे हैं आज मनशियात के अब्यूज़ के हवाले से और फिर हमारे माशरे के अंदर जो एक्सेप्टेबल रवैया है उसको क्योर करने का उसके हवाले से जिसमें से एक रवैया हमने देखा जब कराची के एक पसमानदा बस बस्ती या आप उसको एक इग्नोर्ड इलाके को कह लें शराब गोट के करीब एक मदरसे के अंदर से बहुत सारे बच्चे निकले जो लाइन से चेन हुए हुए थे और वो जब निकले तो उन्होंने कहा हमें तालिबान बनाया जा रहा था एक ने कहा हमें खाना नहीं खिलाया जा रहा था और एक ने कहा हमें जबर कर करके तालिबान बनाया जा रहा था अगले दिन पता चला कि उनके माँ बाप ने वहां पर उनको जानबूझ के डाला था और नशे को अब्यूज़ करने की वजह से डाला गया था वो बस वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे हारिस खलीक साहब आपको मैं मेरे ख्याल से डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ तो मिल गई होंगी हम सब लोगों की आप समझते हैं कि

और वो ये है कि देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग गुड इन पाकिस्तान हम वैसे बहुत मातम गुसारी करते रहते हैं और बुरा भला कहते रहते हैं आ, और वो बहुत ज़रूरी है एक तनकीदी अमल बहुत ज़रूरी है मगर डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहबा ने जैसा कहा कि सिविल हॉस्पिटल कराची में यूनिट है या और शहरों में भी इस तरह के साइकट्री है। वार्डस हैं और बहुत सारे ऐसी सहूलियात हैं लेकिन वो कभी रिपोर्ट नहीं होता तो अवेयरनेस जो है आगाही लोगों को उसकी नहीं है और उसमें जाहिर है पाकिस्तान में डिसपोजेसन के ना जिसको मेरा ख्याल है मार्जिनलाइजेशन जो है वह उसके कई सतु हैं। उसमें तबकाती भी है उसमें एथनिक भी है अब अगर अफगान बाहर से आके कराची में रह रहे हैं तो उनका जाहिर है मेन स्ट्रीम होना मेन स्ट्रीम आपकी जो सरकारी सहूलियात हैं उससे इस्तेफादा करना जरा मुश्किल होगा सही, बिल्कुल सही सही लेकिन इसके साथ साथ जो जो बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान का बुनियादी मसला है वो ये कि हम चूँकि फ़र्क को तफरीक को बर्दाश्त नहीं करते डिफरेंस को बर्दाश्त नहीं करते तो हम तो जहनी जो आ, या फिक्री अख्तिलाफ़ है उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है चे जाए के कि किसी किस्म की किसी में कोई डिसबिलिटी कोई जिसमानी नुस या कमज़ोरी हो या किसी को कोई लत पड़ जाए या कोई तबई तौर पर बीमार हो जाए तो ये हमारे यहाँ एक ख़ास तरह का Uh, उसकी तरफ एक तासुब और एक एक कंटेम्प्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में वो पैदा हो जाता है सही हर तो सब म, एक मैं तो अभी भी यही समझता हूं कि स्ट्रक्चरल मसाइल हैं पाकिस्तानी समाज के रियासत के भी और समाज के भी रवैयों के भी और स्ट्रक्चर्स के भी और वो रिफ्लेक्ट होते हैं इन तमाम चीजों में सही उसका कोई बैंड ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने एक फेसिलिटी ठीक कर दी देखिये अगर गवर्नेंस नहीं है अगर तरजीहत दुरुस्त नहीं है जस्टिस नहीं है तो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा कोई एक शोभा अलग से ठीक नहीं हो सकता सही मुझे सवाल है आपसे क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स की तरफ आपकी नज़र है और आपसे फिर मैं इसको शुरू करूंगा अपने कराची में जो गेस्ट हैं उनसे भी बात करूंगा आपने 500 साल पहले जब ब्यूबानिक प्लेग आया था यूरोप में तो वहाँ के लोग के मज़बी तासर के हवाले से और सुपरस्टिशन के हवाले से बात करी मैं उससे ज़रा आगे आना चाहता हूँ ये कहा जाता है ना कि हमारे सिस्टम बहुत पुराने हैं चलें पाँच साल पुराने नहीं लेकिन सौ साल तक तो पीछे हैं एक सदी तो पीछे हैं बाकी दुनिया से एक सदी पहले जब कोई नफसियाती मरीज़ होता था तो उसके लिए एक डॉक्टर साहब ने एक ऑपरेशन इन्वेंट किया था लब बॉटम वो एक आँख निकालते थे वहाँ से एक अंदर बड़ा सा एक कांटा डालते थे और दिमाग का आगे का हिस्सा जो है वो खुरेद के निकाल लिया करते थे ताकि वो समझते थे कि इससे फिर इंसान सहम जाता है उसके दिमाग के आगे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं सर अगर उनके लिए सौ साल पहले लेबाटमरी ठीक थी तो क्या हमारे लिए आज चीन करके डंडे मारना और जो भी कहना ये हमारे लिए फिर एक्सेप्टेबल है हमारे लिए एक्सेप्टेबल कौन सा लेवल है नहीं देखिए हमारे लिए एक्सेप्टेबल शादोला के चूहे आज तक होते हैं ना तो लोगों के सरों को शिकंजा कस के बना दिया जाता है वो तो खत्म हो रहे हैं। मैं तो समझता हूँ इसका ताल्लुक ताल्लुक इसका तालुक वो खत्म हो रहे हैं लेकिन अभी तक आपको नजर तो नजर आते हैं सड़कों हैं। पे वो बच्चे तो तो अब खत्म हुए हैं मतलब जाहिर है खुदा का शुक्र है कि अब मजीद लेकिन अब और तरह के शिकंजे हमारे सरों पर कसे जा रहे हैं और जिसमों को महसूर किया जा रहा है मगर खैर इसमें नहीं जाते लेकिन बात यह है कि ये जो बार फेटर्स चेन्स में कैदियों को रखना भाई आप तो सही। कैदियों को भी इस हालत में रखते हैं ना मतलब मैंने इसका। ऐसे ऐसे प्रिजनर्स देखे हैं जो जब जेल के सेल से बाहर आते हैं तो वो सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनको इतनी चेंज और और बार के साथ रखा गया होता है तो ये तो एक जनरली समाज में जैसे मैं इंटरनेशनली इंटरनेशनली हो रहा है

पाँच साल पहले तक आप वहाँ जाके खाना भी खा सकते थे सही है। ये ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक एलियन रेफ्यूजी कैंप है आपकी शहर के बाहर ये अब एक असिमिलेशन सोसाइटी है हिलाली साहब आप कमेंट करें प्लीज़ ये ये क्या है ये बस मैं, मैं है। थोड़ा सा हैरान हूँ आई डोंट नो ऑन वी आर लिविंग इसलिए कि अगर आप समझते हैं कि ये चेंज और ये कोई ख़ास बात है तो अगर आप जाके जब तालिबान आए थे स्वाथ में बिल्कुल उधर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ अगर आप थोड़ा सा जाके वो पढ़े ना क्या क्या करें किसको बुरा लगा था भाई उनको तो मान लिए हाँ? थे उनको सब मान रहे थे उनको तो सपोर्ट कर रहे, रहे थे माफ करिए गवर्नमेंट ने मान गांड जब था। तक हाँ। जब तक इस हद तक वो नहीं पहुंचे कि फौजियों की गाड़ी को रोक के तलाशी ले रहे थे उस वक्त तक तो कोई खास नहीं हो रहा था जब तक वो टीवी पे आके नहीं कहा कि ये सब डेमोक्रेसी मेमोक्रेसी ये सब बकवास है हम जब आएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे जब तक तो किसी ने सोच भी नहीं किया था जब तक उस औरत को आवाज़ नहीं सुने थे टीवी पे उस वक्त तो सब ठीक था आपने नेशनल टेलीविजन पे वो दड़ी वाला जो भी था वो वो कौन सा था वो सब जो सूफी मोहम्मद आके नेशनल ऑडियंस को कि आप क्या कह रहे हैं कि ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते सब चीज़ टॉलरेट, टॉलरेट कर रहे हैं एनी थिंग एवरी हाँ कभी कभी हैरान होते हैं जब उस औरत ने अपने मियाँ को काट के पका के फिर पकाने लगा नहीं था। नहीं था। पकाएंगे लोग उस पर थोड़ा सा लोग हैरान हो गए थे मगर ये आप ना कहें अनफॉर्चुनेटली ये आप आपने बता दिया है ये प्रोग्राम कर दिया है और कुछ नहीं होगा इसके बाद तो मेरे ख्याल में जब तक आप जो हुक्म रहा है हाँ. उनको, उनको तकलीफ ना दे बिल्कुल सही जब है, उनको 100 और उनको तकलीफ दे दें उनको कहें कि आप जनरल हॉस्पिटल के अलावा आप जा नहीं सकते नहीं आप ट्रेन के लावा, आप किसी और चीज में सफर नहीं कर सकते हैं अच्छा, सर्विस के बच्चे एडिक्ट होते हैं वो इन जगहों पर नहीं जाते पर आपको पता है वो सब कहाँ जाते हैं वो इतनी मशहूर वो क्लिनिक है जहाँ वो सात सात लाख कितने लाख लेते हैं बच्चे उस जगह जाते हैं फाइव स्टार होटल की

साहब ये कोई ऑल्ट्रिज़म का प्रोजेक्ट नहीं है कि लोग जो है ना वो बसों में सफ़र करने लगे हैं और वो उनके ऊपर आप ये लाजिम कर दें इसके लिए पूरे पाकिस्तान हाँ। का माशी और समाजी जो निज़ाम है उसको बदलने की ज़रूरत है बद, बद तो वो आप अरे साहब यू आर एब्सोल्युटली राइट आप जिस तरीके से कहते हैं दैट्स द सेंसिबल रैशनल वे टू इंप्रूव इट कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होना चाहिए मैं कह रहा हूं वो चल नहीं रहा है वो हो नहीं रहा है वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट वो हो नहीं रहा है व्हाट विल जंप स्टार्ट दिस प्रोसेस और इसलिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ तीन महीने डेढ़ महीने के लिए एक आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया सिंध का वो इंटरम कोई कैबिनेट था या पता नहीं, नहीं।, नहीं। क्या था जी, जी। वो उसको अपॉइंट कर दिया उसके पहले वो मेरे दोस्त के घर के नज़दीक रह रहा था तो उस वक्त जब हम जाते थे मेरे दोस्त के घर को तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी नहीं जा सकती किश्ती गाड़ी एक जमाने में एक खास चीज़ होती थी उसको डक कहते थे वो रोड पे भी चलती थी और गाड़ी इतने पानी <laughs> खड़ा हुआ होता जैसे वो मिनिस्टर बना उसका पहला काम ये था कि मेरा रोड को सही कहें और अब वो रोड सही हो गया कहने की बात है जब तक आप इन लोगों की कॉन्सनट्रेट और फोकस नहीं करते कुछ नहीं होता तो हारिस साहब करना पड़ेगा क्योंकि अगर 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 और ये ये बड़े-बड़े हैं बच्चों को ये मैं को मैं हेल्थ ले लें जो आप ड्रग एडिक्शन की बात करें। अगर ये बिल्कुल कर बिल्कुल बैन दें कि इस मुल्क में सब कुछ इनकी ट्रीटमेंट होगी तो आई एम श्योर हमारी फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी और लोगों में अवेयरनेस होगी और फिर ये कुछ करेंगे, उसको के अलावा क्योंकि अगर उनके बच्चों को नशे की आदत हो गई और उनको फिर पब्लिक फ़ैसिलिटीज में जाना पड़ा तो इन लोगों का हाल भी बेहतर हो जाएगा तो इसके अलावा मैं मेरा सवाल ये है से फिर से शुरू करते हैं आ, पाकिस्तान में अगर ये लोग अफ़ग़ानिस्तान में रह रहे होते हैं इनके ऊपर तीन जनरेशन से जंग मुसलत करी जाती और ये एक्सपार्ट एटीट्यूड के साथ बड़े होते तो फिर डिसिप्लिन का एक अंदर है, अंदर है। लेकिन ये कराची में इसकी इजाजत कैसे है पाकिस्तान में इसकी इजाजत कैसे है ये एक एजुकेशनल फेलियर तो है एक सोसाइटल फेलियर है उसके बाद है, 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 तो ये सोसाइटल फेलियर की एड्रेसमेंट में हम क्या हादसा आज वहाँ खड़े हैं कि जहाँ पे डंडे के जोर को एक लॉजिकल और एक रैशनल चीज़ समझी जाती है और विद बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं हम उसी जगह खड़े हैं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी डंडे के जोर पे फारिग कर देते हैं हम जो है हर चीज़ को एक डंडे के ज़ोर पे बजोरे शमशीर हमारे यहाँ बहुत सारा जो एक मसला है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि ताकत के गलत इस्तेमाल को जायज़ समझना और रंगा रंगी को तनवो को फ़र्क को तस्लीम न करना ग़ैर अकलीत पसंद होना ये रैशनल होना ये नहीं और और ये सारी बातें हैं आपको तो अफ़गानिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अगर इस तरह की सूरत हाल होती तो वजूहत समझ में आती पाकिस्तान में समझ में नहीं आती लेकिन पाकिस्तान में इसी इस तरह की सूरत हाल है कि हमारे यहाँ हमारी तरजीहत गलत हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है आप जब तक तरजीहत दुरुस्त नहीं करेंगे जो आप तो रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं ड्रग के, आप रेगुलर जो आपके तालीम इदारों में बच्चे जाते हैं उनको कि उनके साथ उन, उनके पास पाकिस्तान के डेढ़ लाख सरकारी स्कूलों में से सतासी हजार में प्राइमरी स्कूलों में एक लाख सत्तावन हजार टू तो बी प्रोसाइज उसमें से कोई तिरासी हजार स्कूल में बाउंड्री वॉल और टॉयलेट फेसिलिटी और रनिंग वाटर नहीं है तीस हजार तो स्कूल ही नहीं है नाम के स्कूल तीस हजार तो schools and sir

बच्चों को बड़ी हार्श ट्रीटमेंट मिल रही है उनको डंडे मारे जा रहे हैं उनको सर पे फतोड़े मारे जा रहे हैं कितने है। मतलब जो तो, है, एक तो मैं इलेक्ट होते फिट करना है स्टेट का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर पढ़े लिखों के लिए आधे पढ़े लिखों के लिए अगर पी है तो जाहिलों के लिए इस बनाना है तो मैंने उसको टीचर बना देना है टीचर बना देंगे या उनको जस्टिस बना देंगे या उनको कुछ और डॉक्टर बना देंगे बना देंगे

तीस साल के पैंतीस साल के एम्प्लॉ को आप साठ साल के लिए तनख्वाह दे दें उसके ऊपर जीपी फंड दे दें नोशनली जितना वो बचाएगा फिर भी आपकी बचत होगी निकाल निकाल के

लिया उनका और उनको कहा ये मेरा दोस्त है इनको आप आ, कोई अच्छी पोजीशन दे दें वो दूसरे दिन आए उन्होंने कोई ऐसी एवी, एवी जगह मतलब कोई मामले जैसे कोई होता है ना वो हुण, वो ह्यूमन रिसोर्स में है उसमें उसमें कोई जनरल मैनेजर का दे दिया वो साहब आए कहने लगे लो मुझको तो डायरेक्टर बनना आई मीन ही डिन नो हाउ टू प्रोनाउंस डायरेक्टर सेट के मुझे डायरेक्टर बनना है खैर उन्होंने उसको दे दिया बाद में वो जो थे जिन्होंने नहीं डायरेक्टर नहीं नहीं बने नहीं बन सकते थे डायरेक्टर तो नहीं बन सकते ना विजिलेंस में या ट्रैफिक में आप नहीं मिली तो पता ये लगा कि वो जब जो सो कॉल उस वक्त नॉट सो डेफिनेटली कॉलिनेटली प्राइम मिनिस्टर ही ओशी तो उन्होंने उनको मिले फ्लाइट पर उन्होंने कहा देखें आपने हमारी बात नहीं मानी ना आपने मेरे दोस्त को नहीं उन्होंने कहा जी वो डायरेक्टर कह रहे थे यूं था उन्होंने कहा बस फिर देखें नेक्स्ट डे उनको 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 रिजाइन करना पड़ा

Oh कहा बहुत शुक्रिया हाँ. तो वो फर्स्ट सेक्रेटरी वियतनाम अपॉइंट हो गया आ, गया तो जब ये जो बकरे लेके आया था यानी वो उस तरह के लोग तो फिर उसने ये कहा कि भाई एक और था जो थर्ड सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई उसको हाँ. तो उसने कहा कि मुझे तो थर्ड सेक्रेटरी की नौकरी मिली है तुम मेरे से बूढ़े हो तुम्हें तो फिर फर्स्ट सेक्रेटरी की नौकरी मिली है इसलिए वो सोचता था पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो उसने कहा कहता है ये तो बड़ा जुल्म है हाँ। तो उसने दिया हाँ। वो गया के के सेक्रेटरी साथ वो कहने लगा ये मेरे से तो बड़ी बुरा हुआ हाँ। है ये जवान सा लड़के को थर्ड सेक्रेटरी बना दिया माँ बाप जिनके काफी सारे बच्चे हैं अगर ये वजह आज खड़ी है कि वो समझते हैं कि बेहतरीन तरीके से अपने बच्चे को सुलझाना ये है जो इन्होंने किया एक एक जगह भेज के जिसको मदरसा कहना शायद गलत है एक एक रिहेबलीटेशन सेंटर नुमा जगह भेजा तो इसकी सारी वजह वो है जो डॉक्टर साहब और हिलाली साहब फरमा रहे हैं हमारी हमारी कंसिस्टेंट फेलियर्स जी कंसिस्टेंट फेलियर है हमारे फैसला साज इदारों का और हमारे तबका उमरा और अश्राफिया का जिसने रिस्त को कैप्चर किया हुआ है जी आपको कहा कर रहा था कि यह बिल्कुल एक कलेक्टिव फेलियर है, है। उमराव अशराफिया जो है आपका एलीड जो है उस, उसके उसने कैप्चर किया हुआ है इस रियासत को उसका फेलियर है वो चाहे फौजी हुकूमत आ जाए या सिविलियन हुकूमत आ जाए या जो आ, आ, कोई कोई दरमियान की आप कोई क्लीन गवर्नमेंट बना लें जब तक ये बुनियादी स्ट्रक्चर हमारे स्टेट और सोसाइटी का चेंज नहीं होता कुछ भी नहीं ठीक होगा लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं आपसे कि हम लोगों की मतलब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जब तक ठीक नहीं होगा तो हमारा क्या रोल है हमारा रोल शायद ये है कि हम इस पर इसरार करें और आपने बहुत अच्छा काम किया नेकी का काम किया कि ये प्रोग्राम आज किया है इस मौजू पे तो आपके देखने वाले सुनने वाले उनसे हम इसरार करें कि वो अपने फ़ैसले अपने ती फ़ैसले अपने इज्तमाही फैसले अक्ल की बुनियाद पर करें ना कि ऐसी ज़ीफ़ुलतगादी का मुजाहरा करते हुए अपने बच्चों को नौजवानों को लड़के लड़कियों को जिन निकालने के लिए और शैतान निकालने के लिए इस किस्म के पीरों फ़कीरों और मदरसों में दाखिल कराएँ मेरा ख्याल में तो मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगी हारिस साहब जहाँ इतना ह्यूमन राइट्स का हो रहा है आई थिंक मे बी उर्दू में सिंधी में पश्तों में किसी में इस तरह की चीजें जगह जगह लिख के भी लगाएं कि आपका जो सेहत है आपकी बीमारी है या कोई इस तरह की सब आपका राइट है आप आई थिंक सा अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी क्योंकि एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जी, करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल क्योंकि आप जो स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं ना आपको पता उसमें जब आप हर चीज जो है उसमें उसमें अकल के बजाय और बेअली और यानी आपने बात बिल्कुल शुरू में दुरुस्त आपने फरमाया था बजा

ये कॉन्वर्सेशन वेरी गुड होना चाहिए शुड तो ये लव शुड जो है ना इसको निकाल देना नहीं, चाहिए अगर ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगाएंगे हम और प्रोग्राम करेंगे एक दूसरे को अवेयरनेस क्रिएट पोस्टर्स लगाने से जी कुछ नहीं होगा मैं कहता हूँ माफ करिए इन लोगों को आप कहते हैं बिकम रैशनल जस्ट बाय एग्जोटेशन ये नहीं होगा किस तरह होगा दे हैव टू बी विप्ट

जो जाता कर, है उसको क्या करें अरेस्ट कर लो फिर उसके बाद नहीं उसको फिर ले जाओ अरेस्ट करो खाना खिलाओ उसे हाँ, तीन महीने अच्छा, उसकी पिटाई मत करो चक्की उसको बेचारा है हाँ। तो उसको दो दफे चाहे उसको पता चल जाएगा कि पीरों के पास नहीं जाना चाहिए हमारा स्टेट कहता है हमारे जो बुजुर्ग हैं लीडर्स हैं जिनके लिए हम इलेक्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पीर से जाके तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा वो खुद पीरों के पास जा रहे हैं साहब वो खुद पीरों के पास जा रहे हैं आपको पता नहीं है सारे जगह मजारों वो खुद पीरों के पास जा रहे हैं वो खुद पीर भी हैं खुद पीरों के पास जा रहे हैं हर हर बड़ा लीडर आता है सबसे पहले मजार पे फोल लगाता है हाँ। वो फूल चढ़ाता है पीर यूसुफा हाँ। हाँ। गिलानी हाँ, हाँ। देखिए हाँ। नहीं देखिए देखिए बात ये कि मजार का पे फूल चढ़ाना और एक तस्वुन टीवी वो बिल्कुल एक और बात है जी जी और मैं उसको ये नहीं कह रहा कंडोन नहीं कर रहा ये लोगों के अपने अकीदे की बात है ठीक है मगर सवाल यह है कि लोग जब एक फकीर के पास झाड़ू से या नाम पीर और फकीर के पास झाड़ू से जिन निकलवाने जाते हैं

टेस्ट कर लिया है हमने ये चौंसठ साल जो है ना हम ये कहते रहे उससे कुछ नहीं हुआ है अब अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं तो ट्राई अनदर पी शायद वो गलत हो शायद डंडे से ना हो मगर अगर ये चीज़ मुझे पता है कि उसके पनिश क्या कहते हैं इंसेंटिव एंड पनिशमेंट में काफ़ी फ़र्क आज़ाद जुजाइल बिल्कुल थैंक यू वेरी मच आप देख रहे <laughs> थे थ्री गेस्ट वाला सियासत बना है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग